हमें खबर मिली थी कि सीतावर्डी पुलिस स्टेशन की हद में बोले पेट्रोल पंप के पास एक नेचुरल यूनिसेक्स सलून सलून के नाम से चलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे देह व्यापार किया जा रहा है और स्त्रियों को अधिक पैसे की प्रलोभन दे के उनको वहाँ पे काम पे लगाया जा रहा है। तो इस माहिती के आधार पर हमने पंचों को बुला के और पंटर को बुला के पूरा कायदेशीर कार्रवाई करके उनको वहाँ पे लेके गए और इस चीज़ का हमने जायज़ा लिया कि ये सच है या नहीं। तो वहाँ पे हमको चार पीड़िता मिली है और वहाँ पे फिर जो सारी जब्ती और ये सारी चीज़ें की गई, तो जो पंटर के साथ हमने पैसे भेजे थे वो भी वहाँ पे मिले हैं। उसके अलावा भी वहाँ पे और पैसे, मतलब जो कि आरोपी के थे, और उनके मोबाइल, ये हमने जब्त किए हैं। चार पीड़िता जो थी उनकी, उनको छोड़ा गया है, मतलब उनको रेस्क्यू किया गया है। और आरोपी जो है वो मुस्कान उर्फ मनीषा अरविंद भारती करके है, और वो इसके पहले भी इसी तरीके की कार्रवाई में दो तीन बार उसको अटक की जा चुकी है और वो ये व्यवसाय कई सालों से कर रही है। में दो महिलाएं जो थी वो नागपुर की थी और दो महिलाएं जो थी वो बाहर की थी। इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो 12वीं फेल हुए थे या किसी तरीके से, मतलब जो आरोपी भी है वो भी किसी तरीके से कुछ गलत संगत में पड़ के, कुछ गलत निर्णय अगर ज़िंदगी में लेना पड़े तो उस तरीके से ये सारे लोग उस धंधे में आए हुए थे। और वो जो पीड़ित थे वो भी इसी तरीके से, कुछ और नहीं तो यहाँ पे अच्छा पैसा मिलता है, तो अच्छा पैसा मिल रहा है तो इस हिसाब से उनको प्रलोभन दिया गया और उसी हिसाब से वो आए हुए थे इस धंधे में।